हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30x60, 30 फीट उसकी चौड़ाई है और 60 फीट उसकी लंबाई है और वेस्ट फेसिंग है, मतलब कि पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुँह है। 30x60, 30 फीट उसकी विड्थ है एंड 60 फीट उसकी लेंथ है और वेस्ट फेसिंग मतलब पश्चिम दिशा की तरफ मुँह है। तो इसके अंदर मैंने जो जो भी डिज़ाइन किया मैं अभी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाले जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, और अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो इसकी चौड़ाई है वो 30 फीट है, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये 30 फीट है आपको, और जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि 60 फीट है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये पूरा 60 फीट है। तो 30x60 प्लॉट की साइज़ है और पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है। बाकी अदर तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, मतलब किन्हीं और की प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से पश्चिम दिशा की जैसे ही हम एंटर करते हैं तो 10 फीट का आपका आ रहा मेन गेट। ठीक है, ये देखिए 10 फीट और मेन गेट आ रहा है, और आपका आ रहा सीधा पार्किंग, जिसकी साइज़ है 11 फीट 9 इंच बाई 17 फीट 9 इंच। ये देखिए 11 फीट 9 इंच ऐसे और 17 फीट 9 इंच ऐसे, ये आपका हो गया पार्किंग। इस तरफ देखते तो ये 5 फीट का आपका बरामदा आ रहा है, यहाँ से जैसे स्टेयर अप करेंगे तो ये 3.5 फीट का डोर, ये बरामदा, और यहाँ पे ये देखते तो ये 3.5 फीट का डोर, और आपका आ रहा है ड्राॅइंग रूम जिसकी साइज है 11x12 और जिसकी 1 4 फीट की विंडो इधर पश्चिम दिशा की तरफ और 1 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ, और इस ड्राइंग रूम का एक डोर 3.5 फीट का घर के अंदर भी खुल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से वापस आते हैं तो ये देखिए आपका 4 फीट का आ रहा मेन डोर, यहाँ से भी हमें 3 स्टेयर अप करेंगे तो ये आपका 4 फीट का मेन डोर। यहाँ से एंटर करते ही ये पूरा हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसकी साइज़ है लंबाई के अंदर 26 फीट 2 इंच, ये देखिए 26 फीट 2 इंच और चौड़ाई के अंदर 16 फीट 9 इंच। ठीक है, और उसी के अंदर से यहाँ से देखिए जैस जो ये ड्राॅइंग रूम का अंदर वाला डोर है उसके पास से स्टेयर अप हो रही है, यहाँ से अप होगी और यहाँ डाउन हो जाएगी, और स्टेयर केस की जो लैंडिंग है वो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप आराम से कंफर्टेबली आना जाना कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3.5 फीट जगह हो तो आराम से आदमी सामान वगैरह जो भी है अच्छी तरह ले जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। ठीक है, फिर ये आपका मेन डोर, इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर, और आपका आ रहा बेडरूम जिसकी साइज़ है 11x12 का बेडरूम जिसकी 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ, उसी की अटैच के अंदर ये देखिए 2.5 फीट का डोर और अटैच टॉयलेट जिसकी साइज है आपके 5 फीट 8 इंच बाई 5 फीट का अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन इधर दे रहेगा। इधर यहाँ पे देखते हो तो उसके पीछे 3 फीट 9 इंच बाई 5 फीट 8 इंच का OTS दे रखा है, ओपन टू स्काई। ठीक है दोस्तों, मतलब ये इसके ऊपर छत नहीं आएगी, ठीक है, ये खुला रहेगा, इसको बोलते हैं ओपन टू स्काई। ठीक है दोस्तों, OTS, तो इसका 2 फीट का वेंटिलेशन इसके अंदर निकल रही है। फिर यहाँ से वापस आता है तो ये बेडरूम, और यहाँ से निकलते हैं तो उसके जस्ट पास में देखिए 2.5 फीट का डोर, और आपका गया कॉमन टॉयलेट जिसकी साइज़ है 5 फीट बाई 9 फीट 2 इंच, 5 फीट बाई 9 फीट 2 इंच का आपका कॉमन टॉयलेट जिसका भी 2 फीट का वेंटिलेशन सेम उसी OTS के अंदर निकल रहा है। फिर यहाँ से चलो वापस बाहर आ जाते हैं तो ये आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी साइज़ आपको बताइए 26 फीट 2 इंच बाई 16 फीट 9 इंच। फिर उसके जस्ट पास में देखिए 3.5 फीट का डोर, और आपका गया बेडरूम जिसकी साइज 11x12। तो तीनों बेडरूम की साइज सेम है, 11x12 का बेडरूम, उसका अटैच के अंदर ये देखिए 2.5 फीट का डोर, और आपका अटैच टॉयलेट 5x5 का जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन इधर पीछे बालकोनी छोड़ रखी है 12 फीट 5 इंच बाई 5 फीट की। ठीक है दोस्तों, 12 फीट 5 इंच बाई 5 फीट की बालकोनी छोड़ रखी हमने, और ये अटैच टॉयलेट। यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो ये बेडरूम, और इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो भी इसी सेम बालकोनी के अंदर निकल रही है। तो चलिए वापस बाहर आते हैं इस बेडरूम से, तो इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए आपका स्टोर रूम आता है, ये इसका स्टोर रूम का 2.5 फीट का डोर, और ये आपका स्टोर रूम जिसकी साइज़ है 6x8.2 इंच, ये देखिए 6 फीट ऐसे और 8.2 फीट ऐसे, इसका भी 2 फीट का वेंटिलेशन सेम इसी बालकोनी के अंदर, और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए सेम इसी स्टोर रूम से ये देखिए 2.5 फीट का डोर दे रखा है। ठीक है, इस तरफ तो इसके अंदर जाने के लिए वापिस यहाँ से बाहर आते तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर, या आपका गया किचन जिसकी साइज़ आ गई 10x10 किचन हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो इसी बालकोनी के अंदर निकल रही है 10x10 का किचन। तो चलिए मैं अब आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो ये देखिए आपका 10 फीट का मेन गेट, ये आपका गया पार्किंग 11 फीट 9 इंच बाई 17 फीट 9 इंच,
और इस तरफ स्टेयर अप करेंगे तो ये आपका 5 फिट बाई 11 फिट का आपका बरामदा आ गया। यहाँ पे ये 3.5 फिट का डोर और ड्राइंग रूम, जिसके एक 4 फिट की विंडो वेस्ट पश्चिम दिशा की तरफ सामने, और एक 4 फिट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ नॉर्थ दिशा की तरफ। 11 बाई 12 का आपका ड्राइंग रूम, जिसका एक डोर घर के अंदर भी खुल रहा है 3.5 फिट का, और एक बाहर की तरफ। फिर इस तरफ ये 3 स्टेयर अप करेंगे तो ये आपका मेन डोर 4 फिट का, और सीधा घर के अंदर एंटर। ठीक है दोस्तों, घर के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ उसके जस्ट पास में ये देखिए 3.5 फिट का डोर, ड्राइंग रूम का अंदर वाला डोर, उसके पास है स्टेयर केस यहाँ से अप और यहाँ डाउन, और लैंडिंग 3.5 फिट बाई 3.5 फिट का। फिर इस तरफ चलते हैं तो ये आपका गया बेडरूम 11 बाई 12 का, जिसकी 4 फिट की विंडो पार्किंग की तरफ, और उसके अटैच के अंदर ये देखिए 2.5 फिट का डोर और अटैच टॉयलेट 5 फिट 8 इंच बाई 5 फिट का, और उसके पीछे ये देखिए 3 फिट 9 इंच बाई 5 फिट 8 इंच का और टेस्ट छोटर का ओपन टू स्काई, जिसके अंदर इस टॉयलेट का वेंटिलेशन निकल रहा है। फिर यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो ये देखिए 2.5 फिट का डोर और कॉमन टॉयलेट, जिसकी साइज आ गया आपके 9 फिट 2 इंच बाई 5 फिट का, जिसकी 2 फिट का वेंटिलेशन भी इसी ओटिस के अंदर। तो चलिए वापस बाहर आते हैं तो फिर ये आपका पूरा इतना बड़ा हॉल आ गया, जिसकी साइज है आपके 26 फिट 2 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक 26 फिट 2 इंच, और चौड़ाई के अंदर 16 फिट 9 इंच। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं इस तरफ थोड़ा सा ऊपर, तो ये देखिए 3.5 फिट का डोर और ये बेडरूम 11 बाई 12 का, और उसके अटैच के अंदर ये देखिए 5 बाई 5 का अटैच टॉयलेट, ये इसका 2.5 फिट का डोर, इसका 2 फिट का वेंटिलेशन, ये पीछे बालकोनी जिसकी साइज़ है 12 फिट 5 इंच बाई 5 फिट का बालकोनी दे रखा है, इसी के अंदर इस बेडरूम की 4 फिट की विंडो भी निकल रही है। फिर यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो ये देखिए 2.5 फिट का डोर, ये आपका आ गया स्टोर रूम, जिसकी साइज है 6 बाई 8 फिट 2 इंच, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन इस बालकोनी के अंदर, और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए स्टोर रूम से ही डोर दे रखा है। फिर यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो ये 3.5 फिट का डोर, और आपका गया किचन, जिसकी साइज हो गई 10 बाई 10, जिसकी 4 फिट की विंडो इस बालकोनी के अंदर। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 30 बाई 60 है, 30 फिट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 60 फिट उसकी लंबाई है दोस्तों, और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह है। ये देखिए मैं आपको जूम करके आराम से देख दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि समझना ज़रूरी है। 30 बाई 60 एंड पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है ये डिज़ाइन तो शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, चलिए मैं आपको धीरे से दिखाता हूँ। ये देखिए 30 फिट, ये आपका किचन 10 बाई 10, ये आपकी बालकोनी 12 फिट 5 इंच बाई 4 फिट की, ये अटैच टॉयलेट 5 बाई 5 का। फिर ये आपका स्टोर रूम, ये इसका डोर और स्टोर रूम बालकोनी के अंदर जाने के लिए स्टोर रूम से ये डोर, ये आपका बेडरूम, ये इसकी विंडो। फिर चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये देखिए, ये आपका पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया गया। ठीक है, फिर ये आपका कॉमन टॉयलेट का डोर, ये पीछे इतना सा ओटीएस दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका कॉमन टॉयलेट, और ये पूरा 16 फिट 9 इंच बाई 26 फिट 2 इंच का डाइनिंग और लिविंग एरिया। फिर यहाँ पे 3.5 फिट का डोर और बेडरूम 11 बाई 12 का, इसके अंदर ये 2.5 फिट का डोर और अटैच टॉयलेट 5 फिट 8 इंच बाई 5 फिट का। और फिर इस तरफ देखते तो ये स्टेयर केस यहाँ से आप होंगे यहाँ डाउन, और फिर ये बेडरूम, उसकी 4 फिट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ, ये आपका मेन डोर हो गया, ये ड्राइंग रूम का आपका घर के अंदर जो एंटर होता है वो डोर हो गया 11 बाई 12 का ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम का बार वाला डोर, और ये पार्किंग, ये बरामदा, और ये हो गया आपका मेन गेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा अच्छी तरह मैंने समझा दिया। 30 बाई 60 है प्लॉट की साइज और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह है और पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके जो पास वाले बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।